शिव और शक्ति के मिलन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक बार आता है, जिसको कि मुख्य रूप से महाशिवरात्रि कहा जाता है। वैसे तो एक साल में हर महीने में एक रात्रि जरूर आती है, लेकिन असली महाशिवरात्रि जिसको शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, वह शिवरात्रि साल में एक बार फाल्गुन के महीने में आती है। आज साल 2021 में आने वाली महाशिवरात्रि का व्रत कब है और उसकी संपूर्ण जानकारी कि महाशिवरात्रि का व्रत क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना होता है, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन महीने में कब आता है और इसका क्या महत्व है, महाशिवरात्रि का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उनको क्या लाभ प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करना क्यों जरूरी होता है। नमस्कार, मैं पंडित रीति शास्त्री स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में आप सभी भक्तों का। प्रिय साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 में आने वाला महाशिवरात्रि का व्रत और उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का समय क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और पूजा के दौरान आपने किन नियमों का पालन करना है। यह सब जानकारी आज के इस अंक में मैं आप सभी भक्तों को दूंगा। प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शंकर जी को प्रणाम जरूर करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों ने कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह अंक। प्रिय साथियों, आज के इस अंक में बात कर रहे हैं साल 2021 में आने वाले महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। प्रिय साथियों, साल 2021 में महाशिवरात्रि का व्रत कब है, स्टेप वाइज यह सारी जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी महत्वपूर्ण विधि मैं आपको इस अंक में प्रोवाइड करूंगा। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया कब जाता है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसको महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत के दिन जो भी सत्यप्रायण होकर सच्ची निष्ठा से और सत्य भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, महाशिवरात्रि का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में अड़चन आ रही है उनको शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कहने का भाव ये है कि मनोविलासित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करना बेहद आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में किन किन पूजा सामग्रियों का होना बेहद आवश्यक है। प्रिय साथियों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, चंदन चूरा लाल, चंदन चूरा सफेद इत्यादि पूजन सामग्रियों का होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जनेऊ, वस्त्र और जो भी आपने पंचामृत इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है वह सभी सामग्रियों का होना पूजा में अति आवश्यक है। प्रिय साथियों, पूरे सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का आपने जलाभिषेक करना है। कच्चे दूध मिश्रित जल से उनका रुद्राभिषेक करना है। ऐसा करने से
महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, महाशिवरात्रि व्रत के दौरान रुद्राक्ष से भी भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान शंकर जी की पूजा में प्रयोग किया हुआ रुद्राक्ष अगर आप अपने घर पर रखते हैं तो आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई दारिद्रता है तो वह दूर होगी। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं कि साल 2021 में आने वाला महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथियों, जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं। साल 2021 में महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 के दिन होगा। प्रिय साथियों, डिटेल यहां मैंने स्क्रीन पर दे दी है। साल 2021 में 11 मार्च के दिन महाशिवरात्रि का व्रत होगा। अब मैं आपके साथ पूजा का समय भी शेयर कर देता हूं। निश्चित काल पूजा का समय होगा 12 मार्च सुबह 12:04 से और 12:50 तक का निश्चित काल पूजा का मुहूर्त रहेगा। प्रिय साथियों, शिवरात्रि का पारण का समय रहेगा 12 मार्च सुबह 6:30 से और 3:03 तक। प्रिय साथियों, यहां स्क्रीन पर मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर कर दी है, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, समय को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सारा शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। प्रिय साथियों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए महाशिवरात्रि व्रत के दौरान शिव की पूजा करते हुए आपको अन्य किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथियों, शिवरात्रि की पूजा के दौरान आप जब शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं, तो शिवलिंग पर जहां पर आप जल चढ़ाते हैं, आपने बाएं तरफ से परिक्रमा करते हुए जहां पर शिवलिंग का जल निकल रहा है उसको आपने लांघना नहीं होता है, वहीं से आपने वापस आना होता है। अर्थात शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती, उसकी अर्ध परिक्रमा ही की जाती है। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथियों, शिवलिंग की पूजा के दौरान आपने कभी भी शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पण नहीं करने हैं, अर्थात तुलसी के पत्ते आपने पूजा के दौरान प्रयोग में नहीं लाने हैं। शिव पूजा के दौरान आपने बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक, ये सब सामग्री का प्रयोग करना है। पंचामृत से अच्छी तरह शिवलिंग का अभिषेक करना है। शुद्ध जल से वस्त्र यज्ञोपवीत द्वारा भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार और भस्म द्वारा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से की गई आपकी महाशिवरात्रि की यह पूजा आपको पूर्ण फल देने वाली होती है। साथियों, महाशिवरात्रि व्रत के दौरान आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेते हुए पूरा दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं करना होता। व्रत के दौरान आप कुट्टू के आटे से बना हुआ पदार्थ या सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है चलाई के बने हुए लड्डू ग्रहण कर सकते हैं या जो है चाय ग्रहण कर सकते हैं। अन्न आपने उस दिन नहीं लेना होता महाशिवरात्रि व्रत के दौरान। ये कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आपने महाशिवरात्रि व्रत के दौरान रखना है और फिर देखिए कि आपके द्वारा किया गया महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और आपकी जिस मनोकामना के लिए भी आपने व्रत किया है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। प्रिय साथियों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिलाएं जो महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें कभी भी दारिद्र्य नहीं होता। ऐसी संतान जो महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें
पढ़ाई में बल मिलता है, पढ़ाई में उनकी बुद्धि तेज होती है, उनका भाग्य तेज होता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। प्रिय साथियों, यह मैंने आपको बताया साल 2021 में आने वाले महाशिवरात्रि व्रत का पूजा मुहूर्त, निशित काल मुहूर्त, पारण मुहूर्त और समय। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करने वाली होगी। अगर महाशिवरात्रि व्रत 2021 संबंधित आपका अन्य भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।